हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। दूसरी बात ये, वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे, रिविजन करवाती हूँ मैं, ट्राई पूरा करूंगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए, उससे शायद आपका थोड़ा हेल्प होगा। एक बात और, अगर आप और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं अदर दैन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप विद्यागुरु की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी आपको करंट अफेयर्स अपडेटेड मिलेगा, आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर भी मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलिए पहला क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे, जानबूझ के एक साथ लिखा है क्योंकि एक ही दिन पे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं बच्चों 21 जून को। इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। योगा डे का थीम भी इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए याद कर लीजिए। योगा डे का, इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, इसका थीम है योगा फॉर हेल्थ। हमने कहा जो इस बार 21 जून को ऑब्जर्व किया गया, 21 जून को ऑब्जर्व किया गया योगा फॉर हेल्थ, उसका थीम है इंटरनेशनल योगा डे का इस बार वाले। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन सलमान, नाम आसान है याद हो जाएगा आपको, मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस बने हैं सऊदी अरेबिया के। किसके? सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए क्या कहता है, ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट। हमने पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट ब्रिक्स गेम्स पढ़े थे जो ग्वांजाओ चाइना में थे। यहां पर हम कुछ और पढ़ रहे हैं, है चाइना ही बट बदल गई जगह, चाइना में अलग जगह, बीजिंग चाइना की बात कर रहे हैं। ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स मीट का वेन्यू, मैंने कहा चाइना तो है लेकिन चाइना में हम बीजिंग की बात कर रहे हैं, बीजिंग चाइना में होगा। ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीट है वो बीजिंग चाइना में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी होम, पहली स्टेट बनी है जिसके हर घर में बिजली है, केरला। याद रखिए केरला, अच्छा क्वेश्चन है, आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट पर ये कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के विनर का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, हम यहां पर बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, सुपर सीरीज जीतने वाले किदांबी श्रीकांत। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि किदांबी श्रीकांत ने इंडोनेशियन ओपन जीता है और उसके बाद अब जीत गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन भी, चेन लॉन्ग को हराया है। ये भी याद रखिएगा, चेन लॉन्ग को हरा करके किदांबी श्रीकांत बन गए हैं विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज। बैडमिंटन की बात हो रही है, भूलिएगा मत, क्योंकि अभी किदांबी श्रीकांत बहुत फेमस हुए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इतने सारे बैडमिंटन के जो ओपन है वो भी जीत रहे हैं, काफी बड़े बड़े सीनियर लोगों को हरा चुके हैं जो वर्ल्ड चैंपियंस है। अभी मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है सुपर सीरीज किन्होंने, किदांबी श्रीकांत ने चेन लॉन्ग को हराया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, नासा ने लॉन्च किया है वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट जो कुछ ही ग्राम्स का है। तो हमने ये कहा ये जो बनाने वाले हैं उनका नाम भी, और इसके अलावा याद रखिए जो बात बता रही हूं आपको, नाम याद इसलिए रखिए क्योंकि ये कलाम साट इसका नाम है। अब कलाम साट जो है ये बनाने वाले रिफत शाहरुख नाम के एक बॉय जो साउथ इंडिया से, जो इंडिया से मतलब इंडियन है आप ऐसे याद रखिए, बिलोंग करते हैं, उन्होंने कलाम साट बनाया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। तो कलाम जी के नाम पर कलाम साट, और ये
आप ये समझिए कि कुछ ग्राम्स का मतलब सिर्फ 64 ग्राम्स है, तो इतना छोटा सैटेलाइट, इतना हल्का सैटेलाइट, लेकिन लॉन्च नासा ने किया है, ये आपको याद रखना होगा। मैंने क्या कहा, रिफत शाहरुख नाम के एक इंडियन बॉय ने कलाम सैट बनाया। कलाम सैट जो है लाइटेस्ट सैटेलाइट है वर्ल्ड का, अब 64 ग्राम का है, 64 ग्राम्स का है, तो लाइटेस्ट ही होगा। नासा ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा, रिफत शाहरुख नासा ने लॉन्च किया कलाम सैट, तो कलाम जी के नाम पे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट मेल चाइना मैन बोलर टू प्ले फॉर इंडिया इन ओडीआई। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो कुलदीप यादव की बात कर रहे हैं, पहले सुन लीजिए। ज्यादातर बॉयज को ये बात समझ में आ जाती है, बट देखने वाले सारे हैं तो एक बार बताना पड़ेगा। हम कह रहे हैं बच्चों चाइना मैन बोलर, अगर हम बोल रहे हैं चाइना मैन बोलर किसे बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, आप कहेंगे अभी ये क्या मतलब हुआ। हम कह रहे हैं जो लेफ्ट आर्म बोलर्स होते हैं वो ज्यादातर फिंगर्स से बोलिंग करते हैं, फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं बोल के लिए। तो मैंने कहा यहां पर बोलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है रिस्ट, जो रेयर है, रेयर है। लेफ्ट आर्म बोलर, लेफ्ट आर्म बोलर जो रिस्ट से बोलिंग कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या कह रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं चाइना मैन बोलर। तो हमने कहा फर्स्ट मेल चाइना मैन बोलर, हमने कहा टू प्ले फॉर इंडिया इन ओडीआई कुलदीप यादव, याद रखिएगा ये रिस्ट से लेफ्ट हैंड हमने कहा और रिस्ट से बोलिंग करते हैं, इसीलिए ने क्या बोला जा रहा है चाइना मैन बोलर और ये कुलदीप यादव है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे, अब ये भी साथ में लिखा है इसीलिए कि दोनों का डेट सेम है, 23 जून, कौन सा डे ये याद रखिएगा, वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे, ओलंपिक डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे, ये मैं इंडियन नहीं बोल रही हूँ, वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे बोल रही हूँ, 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वुमेन कम्पीट करेंगी WWE में, तो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE में कम्पीट करेंगी कविता देवी। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये पहली है, फर्स्ट इंडियन वुमन है जो कम्पीट करेंगी WWE में, कविता देवी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, लॉकहीड मार्टिन एंड टाटा टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर F-16 फाइटर जेट। अमेरिका, अब याद ये रखिएगा कि लॉकहीड मार्टिन जो है वो US अमेरिकन कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी है, कंपनी कहां की है वो भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, शायद क्वेश्चन आ जाए। तो लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की कंपनी है, टाटा के साथ मिलकर के F-16 फाइटर जेट बनाएंगे ये। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन विजिटर वीजा एप्लीकेशन बाय ऑस्ट्रेलिया, इंडियंस के लिए ऑनलाइन विजिटर वीजा एप्लीकेशन इन्वाइट की है किस नेशन ने अभी, तो बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्या कहता है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन कैन नाउ इम्पोज फाइन ऑफ। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 की है, पहली बात ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। बात ये चल रही है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 की है, पहले जो कंप्लेंट्स की जा रही है तो वो कंप्लेंट्स की जाती थी बैंकिंग सर्विसेज के लिए ही, बैंकिंग के लिए ही। अभी क्या किया है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में, अगर इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल बैंकिंग या म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस, इनके लिए भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट की जा सकती है अगर मिस सेलिंग हुई है तो। हमने क्या कहा, दोबारा सुनिए, हमने कहा बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 की है, मिस सेलिंग होती है अगर, हमने कहा म्यूचुअल फंड्स की या फिर हमने कहा इंश्योरेंस की बैंक की तरफ से, तो हमने कहा कंप्लेंट कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए भी अब, किसके लिए, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के अगेंस्ट। तो हमने कहा जो ये ओम्बुड्समैन है
ये फाइन लगा सकते हैं, पहले लगा सकते थे 10 लाख का, लेकिन अब देखिए वो बढ़कर डबल हो गया है, अब तो 20 लाख का फाइन भी लगाया जा सकता है बैंक पर। तो याद रखिए, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम अब फाइन लगा सकती है 20 लाख का। तो याद रखिएगा, अमाउंट को डबल कर दिया गया है फाइन के अमाउंट को। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स फर्स्ट डेटा एम्बेसी। अब ये डेटा एम्बेसी है, डेटा कलेक्ट करेगी, नाम से ही पता चल रहा है एस्टोनिया की गवर्नमेंट बना रही है, एस्टोनिया की गवर्नमेंट बनाएगी लग्जमबर्ग के अंदर। हमने कहा वर्ल्ड्स फर्स्ट डेटा एम्बेसी कहां बनेगी, तो हम जगह ही लिखते हैं। हमने कहा फर्स्ट डेटा एम्बेसी एस्टोनिया की गवर्नमेंट बनाएगी लग्जमबर्ग के अंदर। रिवाइज करते हैं फर्स्ट पॉइंट से जल्दी। इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून, उसके बाद बताया था इंटरनेशनल योगा डे का थीम योगा फॉर हेल्थ। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, चाइना बीजिंग में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट हुआ, केरला पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा चुका है अपने सभी घरों में, फर्स्ट स्टेट बना है। किदांबी श्रीकांत, जिन्होंने पहले इंडोनेशियन ओपन जीता था, अब वो ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गए, बैडमिंटन की बात कर रहे हैं, इनके नाम से फेमिलियर हो जाइए क्योंकि अब ये बहुत फेमस हो चुके हैं। हमने बोला कलाम सैट, हमने कहा लाइटेस्ट सैटेलाइट है जिसे नासा ने लॉन्च किया, हमने कहा लॉन्च हो चुका है। रिफत शाहरुख हैं जिन्होंने, इंडियन बॉय हैं जिन्होंने कलाम जी के नाम पर कलाम सैट बनाया। कुलदीप यादव, जिन्हें फर्स्ट मेल चाइनामैन बोलर बोला जा रहा है और जो खेलेंगे इंडिया के लिए ओडीआई में। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 जून को। कविता देवी पहली वुमेन होंगी जो WWE में इंडिया की तरफ से खेलेंगी। नेक्स्ट है F-16 फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन और टाटा बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वीजा, ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन विजिटर्स वाला इनवाइट किया है इंडियंस के लिए, मतलब ये चीज ओपन की गई है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम अब 20 लाख का फाइन लगा सकती है। उसके बाद लग्जमबर्ग में फर्स्ट वर्ल्ड की फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट डेटा एम्बेसी बनने वाला है जो एस्टोनिया की गवर्नमेंट बनाएगी। अभी रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच।